मेन रीजन जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क या डल होती है एज कम्पेयर टू आवर नेचुरल स्किन टोन, वो है एक सन एक्सपोजर एंड दूसरा है PIH. नाउ सन एक्सपोजर में क्या होता है ना, हमारी स्किन जब भी एक्सपोज होती है टू हार्मफुल UVA एंड UVB रेस, तो वो स्टिमुलेट करती है मिलानोसाइट विच इनडायरेक्टली प्रोमोट्स मिलानिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है और यू विल फेस प्रॉब्लम्स लाइक टैनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन एंड ऑल्सो पेरियोडल हाइपर पिगमेंटेशन. एंड जो सेकेंड रीजन है वो है PIH, मतलब जब भी हमारी स्किन में कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस लाइक एक्ने हो गया है, फंगल एक्ने हो गई हो, या कोई भी रीजन की वजह से पस वाले एक्ने हो गए हो, या जब मच्छर काट जाए तब भी जब वो छोड़ जाता है तो एक एरिया को डार्क कर देता है, या स्किन की जो बैरियर है डैमेज हो चुकी है, या कोई प्रोडक्ट आप लगाते हो स्किन में एलर्जी रिएक्शन होता है और जब वो चली जाती है तो स्किन को डार्क करके चली जाती है. सो द सेकेंड रीजन इज दिस. सो आगे हम वीडियो में इन्हीं दो कंसर्न्स को, ये रीजंस को कवर करेंगे एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऐसे फार्मेसी के प्रोडक्ट्स व्हिच आर वेरी अफोर्डेबल एंड विल ट्रीट योर टैनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, सन डैमेज की वजह से जो भी स्किन में डार्कनेस हो रखी है, ये सारी चीज मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगी. एंड ऑल्सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वहाँ पे एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे जो वीक में एक से दो बार लगाना ही होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आप जो भी फार्मेसी क्रीम लगाओगे उससे कोई रिजल्ट्स नहीं देगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट मच टॉकिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स एंड टैनिंग. सो ये अगेन जो रीज़न है सन एक्सपोजर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड इसको ट्रीट करने के लिए मेरा जो फेवरेट क्रीम है वो एलीट ग्लो, वो मार्केट में 180 रुपए का ही आता है, बहुत सस्ता है गाइस, इसको आप यूज़ कर सकते हो. नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है लाइक कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन एंड ग्लूटाथियॉन, ये सारे स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इन्ग्रीडियंट्स है. तो अलग से आपको सीरम्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये क्रीम अगर लगा लोगे तो यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स. नाउ ये क्रीम कैसे लगाना है, फर्स्ट यू नीड टू क्लेंज योर फेस एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आपको रात को ही ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है. एंड ये लगाने के बाद एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर भी आप लगा सकते हो. ऑल्सो गाइस, अगर आपको सेंसिटिव स्किन है या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, पहले पैच टेस्ट जरूर करना, 24 आवर्स या 72 आवर्स पैच टेस्ट करके उसको एक बार चेक करना कि आपके स्किन में ये जो क्रीम है अच्छे से टॉलरेट होता है कि नहीं. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पेरियोलर हाइपर पिगमेंटेशन, ये भी बहुत ज़्यादा यू नो सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है एंड ऑल्सो ड्यू टू सम अदर रीजन्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ डेड स्किन सेल्स ऑन दिस एरिया, और उसको एक्सफोलिएट अगर हम नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पे डार्कनेस दिख जाएगी. एंड द सेफेस्ट क्रीम, फार्मेसी क्रीम टू यूज़ इज एसिडर्म, ये बहुत सेफ है. अगर आप प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग फेज में हो या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्रीम. ये बहुत सेफ है, अगर कोई भी क्रीम्स के साथ आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई भी क्रीम्स आप यूज़ करना चाह रहे हो टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ योर फेस और स्किन से सारा डार्कनेस और डलनेस निकालना है, और आपको कोई क्रीम फार्मेसी क्रीम सीरम सूट नहीं कर रहा है, एसिडर्म इज समथिंग यू कैन ट्राई आउट. सिमिलरली एसिडर्म को भी जैसे मैंने आपको एलिट ग्लो के लिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए बोला था, सेम वे में आप उसको फॉलो कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्रीम इज वेरी गुड अगर आपके स्किन में एक्ने मार्क्स हो रखा है, पिगमेंटेशन हो रखा है, या पैचेस में फॉर्म हो रखा है ना, डार्कनेस हो रखी हो अलग तरीके से, जिससे फुल फेस आपके डार्क या डल लग रही है, देन यू शुड गो फॉर कोजी केयर. दिस फार्मेसी क्रीम इज जस्ट फॉर ₹185. अगेन ये सारे फार्मेसी क्रीम अंडर 200 आते हैं, सो दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल, आप इसको यूज कर सकते हो. दिस रियली वर्क्स गुड फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स एंड ऑल्सो इट डज रिड्यूस एक्ने स्पॉट्स, जो मैंने शुरुआत वीडियो में बताया था, बिकॉज ये भी एक रीजन है जिसमें स्किन में डिस्कलरेशन हो जाता है. नाउ कोजी केयर में 7 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, इट हैज कोजिक एसिड, ग्लूटाथियॉन, इट हैज अल्फा आर्बुटिन, इट हैज विटामिन ई, विटामिन सी, इट हैज नायसिनामाइड एंड लिकोरिस. दिस इज गोइंग टू कंट्रोल योर मेलानिन. मेलानिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब भी हमारे स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो उस एरिया में डार्कनेस ज्यादा हो जाती है, तो ये डायरेक्टली मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, और अगर किसी एरिया में हो रखा है उसको भी कम करता है, जिसकी वजह से वो डार्क जो हो रखा है ना आपका एरिया जहां पे भी डार्कनेस हो रखी है वो धीरे धीरे चली जाएगी, एंड उसके साथ साथ ये स्किन को ब्राइट भी करेगा, उस एरिया को भी ब्राइट करेगा. सो यू विल सी ऑल योर मार्क्स, डार्क मार्क्स,
and dullness vanishing slowly when you apply this cream. And again, it's the same way to apply. मैं हमेशा suggest करूँगी रात को ही on a cleanse face आप इसको use करें and then एक moisturizer लगाएं and next day जब भी आप बाहर जाते हो तो या नहीं भी जा रहे हो next day don't forget to use your SPF क्योंकि SPF लगाओगे तभी skin protected रहेगी और future भी नहीं आएगी. तो आप साथ में treat भी कर रहे हो and साथ में prevent भी कर रहे हो by applying sunscreen. And the last part of this video is this which I said which is very very important is the application of exfoliating ingredients like AHA or BHA. My favorite is glycolic acid. अगर आपकी skin sensitive है तो आप lactic acid भी try कर सकते हो. Lactic acid serum आती है but they are quite expensive. आपको Nykaa Amazon में मिल जाएगा but अगर glycolic acid की बात करो Glycosig pharmacy store में easily मिल जाता है. इसकी भी price 200 के around ही है. तो ये आपको week में एक ही बार लगाना है face wash करके और उस दिन आपको face में rest देना होगा. मतलब आप कोई भी products नहीं लगा रहे हो simply उस दिन आप अपना face clean कर रहे हो cleanse कर रहे हो and then आप glycolic acid precise amount अपने face में लगा के उसको उस दिन छोड़ रहे हो and जब next day की बात आती है दिन में उठ के आपको wash करना है again moisturizer use करना है sunscreen लगाना है. But if you are a beginner start by using it once in a week because ये थोड़ा सा skin को dryness कर सकता है and irritate भी कर सकता है because it is an exfoliating agent. Also जब आप glycolic acid use कर रहे हो आप face में कोई भी scrub use ना करें क्योंकि वही काम glycolic acid ऐसा cream कर रहा है. So yes, this was it. ये अगर आप steps follow करते हो then you will see visible results in your skin. 3 से 4 महीने में आपको clear skin मिलेगा. It's just that gradually आप इसको everyday अपने skin care routine में incorporate करें and yeah, you will see the result by yourself. So I hope this video was helpful to you. Until we meet next time, bye.